हेलो एवरीवन, वेलकम टू बस किचन एट कंपनी। मैं अनम और आज हम लोग आए हैं अपनी पेट्रो नासिक साइट पर, जहाँ पर हमने किचन फुल फर्निश किया है, जो कि स्पेशल लैमिनेट हमारा वाइट के साथ। ये पूरा किचन फुल वाइट कॉम्बिनेशन के साथ है। काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि अगर फुल वाइट लो तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा, वो भी किचन के पार्ट में। तो मैं आपके ये सारे डाउट आज इसकी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। थोड़ी प्रमोशन की बात हो जाए, हमारी कंपनी कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर बनाती है, जो कि आइनॉक्स सेंटर के पास नासिक रोड में है। आप गूगल पर जाकर डायरेक्ट लिंक से भी विजिट कर सकते हैं। हाल ही में हमने पूना, औरंगाबाद, अहमदनगर और औरंगाबाद में प्रोजेक्ट डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप भी उस लोकेशन में हैं या आपके फैमिली फ्रेंड्स उस लोकेशन में, जो बेस्ट किचन एट कंपनी से डील करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सारे फाइनल व्यूज और विद 3D के साथ देख सकते हैं। तो ये हमारा एलशेप का किचन है और यहाँ पे 3 doors का कैबिनेट अरेंज हो चुका है। विंडो और ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। स्टार्ट हम अपने यहाँ के सेटअप से करेंगे, क्योंकि एग्जिट हमारा मेन काउंटर इस साइड पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना नेसेसरी है, जितनी नीड है, जब हम क्लाइंट से कंसल्ट करते हैं तो उनकी नीड और नेसेसरी आइटम का पता चल जाता है। उस हिसाब से हम गाइड करते हैं कि जितना नेसेसरी है उतना बास्केट लेंगे और बाकी के स्पेस पे हम शेल्फ डालते हुए डोर लगाकर हाइड करेंगे। इफ अगर आपको शेल्फ की नीड नहीं है, आपको ज़्यादा बड़ा स्टोरेज है, तो वहाँ पर हम शेल्फ माइनस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं किचन का अगर मैं फाइनल व्यू दिखाऊँ, तो सामने की तरफ पे एक ऑलरेडी स्टोरेज रूम है। स्टोरेज रूम में ऑलरेडी उनका जितना भी बड़ा बड़ा सामान है वो यहाँ पर हाइड हो जाएगा और यहाँ पे मे बी शटर आ जाएगा। तो उस हिसाब से जितना भी सिमिलर, जितना बाकी का डेली यूज़ का मटेरियल है वो यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पे हमने शेल्फ अरेंज कर दी, ताकि आप नीचे और ऊपर दोनों का स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। यहाँ पे हमारी SS की सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हैं और वाइट होने की वजह से ब्राइटनेस तो और भी ज़्यादा अच्छी है। शेल्फ हमने यहाँ तक थर्ड शटर तक कंटिन्यू किया है, यहाँ पे पार्टीशन दे दिया है। और रही बात एल कॉर्नर की, तो यहाँ पे कॉर्नर में हमारा LPG है, उसका पाइप सेटिंग बाकी है, इसलिए LPG फिलहाल मैंने साइड में रख दिया है। और सामने की जो स्पेस रहेगी वहाँ पे इस तरह के हम विल्ट्रॉली ले सकते हैं, जिसमें हमारी डेली यूज लाइक कांदे बटाटे जो भी है वो उसमें हम अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे LPG रिमूव करने की बात आएगी तो हमें सारा स्टोरेज बाहर निकालते हुए देन LPG वहाँ पे सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। व्हील ट्रॉली है तो इजीली हम उसे मूव कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। कुकिंग एरिया एग्जैक्ट इस पॉइंट पर है, तो यहाँ पर हमारा राइट साइड पे कटलरी बास्केट है। सारी बास्केट्स 6 supports के साथ है, विथ प्रीमियम चैनल है। ऑल बास्केट्स आर रिमूवेबल, ईजिली हम इसे निकाल कर वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डालेंगे। इसके नीचे हमारी 2 plain baskets जिसमें हम मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। इस साइड पे हमारा कप्ससर बास्केट जो कि 1 rod binding के साथ है, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा 1 rod binding है। इसमें छोटी छोटी डिशेज एंड हमारी कप्स एंड ऑल सब कुछ आराम से स्टोर हो जाता है। इसके नीचे हमारी थाली बास्केट, ये भी 1 rod binding के साथ है। यहाँ पर हमें और स्पेस मिली थी जहाँ पे हमने 3 plain baskets दे दिए, जो कि मल्टीपर्पज़ के हिसाब से हम यूज़ कर पाएंगे। लाइक जैसे मैम ने काफ़ी अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप मल्टीपर्पज़ के हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 baskets हो गई हमारी प्लेन, काफ़ी अच्छा स्टोरेज हो जाता है। देन उसके बाद हमारा सिंक एरिया आ जाता है। सिंक एरिया में हमने 2 plain shutters दे दिए। आप चाहे तो नीचे एक शेल्फ अरेंज कर सकते हैं, बट अगर फ्यूचर में मेंटेनेंस आ जाता है सिंक का तो वो थोड़ा दिक्कत देगा। तो आप प्लेन रखोगे तो यहाँ पे आपके डस्टबिन एंड ऑल जो भी मटेरियल है वो इजीली आप स्टोर कर सकते हैं। कॉर्नर में हमें एक स्पेस मिली थी, तो वहाँ पर हमने एक पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसमें डेली यूज़ होने वाली चीज़ें आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद जैसे ही आपने देखा दोनों साइड पे काफ़ी अच्छी विंडो है, तो हमें नीड नहीं थी इतना अच्छा बड़ा किचन है तो कहीं कैबिनेट की, बट जस्ट एक कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हमने 3 doors का कैबिनेट ले लिया है, जिसमें लाइक ग्लासेस और छोटी मोटी क्रॉकरी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। शेल्फ जो आप देख रहे हैं ये कस्टमाइज होते हैं, क्लाइंट जिस हिसाब से हमें सजेस्ट करते हैं, लाइक 3 चाहिए 2 चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 इसलिए डाले ताकि हमारी छोटे छोटे बाउल्स एंड जो भी स्मॉल क्रॉकरी है वो हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें।
कॉर्नर के साइड में हमने एक डाला है कि अगर डिनर सेट है तो डिनर सेट्स के जो भी बड़े बड़े बाउल्स एंड प्लेट्स हैं वो वहाँ पे हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। डिनर सेट के लिए उतना स्पेस सफिशिएंट है, बट जो छोटी छोटी क्रॉकरी है उसके लिए इतना स्पेस भी सफिशिएंट है। तो हम उस हिसाब से आपको गाइड करते हैं, जिस हिसाब से आपका स्टोरेज है, जिस हिसाब से आपके पास क्रॉकरीज है, उस हिसाब से हम ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन आपको एडवाइस देते हैं। ग्लासेस का जो भी है ये सारा 3D में हमारा कंसल्ट हो जाता है कि हम प्लेन के साथ जाएंगे या फिर ग्लास के साथ जाएंगे। बट अगर आप क्रॉकरी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आपको, मुझे लगता है कि आपको ग्लास लेना चाहिए जो लुक वाइज अच्छा लगता है। रही बात मटेरियल की, तो मटेरियल में आपको मैंने बता दिया कि जो चैनल है वो हमारी प्रीमियम क्वालिटी की यूज़ हुई है। प्लाई जो है वो BWP बॉयल वाटरप्रूफ प्लाई यूज़ हुआ है। बोथ साइड लैमिनेट है, इनसाइड हमारा वाइट फिक्स है, आउटसाइड जो भी क्लाइंट चॉइस करता है उस अकॉर्डिंग है। जैसे ये हमारा स्पेशल लैमिनेट है, हाई ग्लोसी विथ स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ है। हैंडल जो हमारी देख रही है हमारे इसकी डी हैंडल है। बास्केट्स मैंने आपको बता दी कि सारी 6 सपोर्ट्स बास्केट होती है ऑल, और सारी मूवेबल्स होती है, इजिली आप इसे मूव कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो अगर चेंज होता है, आपको लगता है कि नहीं कटलरी सेक्शन मुझे राइट की जगह पे लेफ्ट पे चाहिए, इजीली सारे बास्केट्स आप अपने अकॉर्डिंग इसे शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। और जो रॉड की बात रही वो तो मैंने आपको बता दी, वन रॉड बाइंडिंग है। वारंटी गारंटी की बात की जाए तो जो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे लाइक बाहर के पैनल, अंदर का SS कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसलिए उसकी आपको दी जाती है लाइफ टाइम वारंटी। रही बात हार्डवेयर की, तो आप जिस ब्रांड का ले रहे हैं उस ब्रांड पॉलिसी अकॉर्डिंग आपको वारंटी गारंटी दी जाती है। फाइनली अब बजट की बात कर लेते हैं। अगर इस तरह का एल शेप का किचन विथ शेल्फ, व्हील ट्रॉली और ऊपर के 3 doors के कैबिनेट अगर आप ऑर्गेनाइज करने चाहते हैं तो एक 70,000 तक इस किचन का बजट गया है। इफ़ अगर आप भी मेकिंग करना चाहते हैं या जस्ट आप बजट का आइडिया लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है हेल्पलाइन नंबर, आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।